अरे क्या बात है पारो, लगता है सदियों बाद आज तुम नहाई हो हा? और पीले सूट में एकदम कयामत लग रही हो। कयामत चुप कर नास्तिके, तू है कौन और मुझे इस तरह क्यों टोक रहा है? अरे गुस्सा मत करो जानू, मैं तुम्हारा पुराना आशिक हूँ। कौन सा आशिक और कैसा आशिक? मैं तुझे नहीं जानती और ऐसे हर कोई राह चलता आकर मुझे जानू बोलेगा तो मैं गुस्सा नहीं करूँगी क्या? इसका मतलब तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। लो, मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। हमारा परिवार पूरे 10 बीघे में फैला हुआ है। अच्छा। और गांव से लेकर शहर तक सभी लोग मेरे ही दीवाने हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि मैंने भी पुलिस इंस्पेक्टर की जॉब के लिए एग्जाम दिया है। हा? और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आने वाला है। और तू भी कान खोल कर सुन ले, हमारा परिवार भी 20 बीघे में फैला हुआ है। हा? और तेरे पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। अरे बेटा तू घर चल, तेरे लिए डाक द्वारा एक चिट्ठी आई है जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है इंस्पेक्टर पटलू सिंह। ये तो बड़ी अच्छी बात है पापा, चलो चलकर मोहल्ले वालों को मिठाई खिलाते हैं। क्या हुआ पटलू, तू बात करते करते ऐसे अचानक क्यों चल दिया? डर गया ना मुझसे? अरे नहीं पगली, मैंने जो एग्जाम दिया था मैं उसमें पास हो गया हूँ। और महीने की 39 तारीख को मेरी जॉइनिंग है। तू बड़ा इतरा रही थी ना, अब तेरे जैसी लड़कियाँ मेरे आगे पीछे घूमेंगी, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं दूंगा। नहीं पटलू सिंह, मैं दोनों पैर जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझसे ही शादी करना, मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों की दासी।